दोस्तों ईयरबड्स में अगर आपको ऑडियो या फिर इसका बेस अगर मजबूत नहीं होता है, मतलब कि अच्छे नहीं होता है, तो ये मानिए कि पैसा आपका बेकार है। लेकिन वहीं पर अगर आपको अच्छी टाइप की आवाज़ हो, ऑडियो हो, बेस हो, भले से ही आपका डिज़ाइन थोड़ा सा कम हो सकते हैं, अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन ऑडियो अगर अच्छा है तो पैसा वहीं पर आपका वसूल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नथिंग ईयर 2 ब्लैक एडिशन को अगर हम देखेंगे जो लॉन्च किया है, यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में और सबसे बेहतर ऑडियो बनाने के चक्कर में इन्होंने कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया है, जो कि काफ़ी कुछ इसमें अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ब्लैक वेरिएंट स्टाइल और वर्सेटिलिटी में आए एक आयाम, नथिंग ईयर 2 का ओरिजिनल वाइट वेरिएंट पहले से ही लोगों के काफ़ी पसंद आया था। अब यहाँ पर बता दूँ कि ये अपडेट सिर्फ लुक तक सीमित नहीं है, ये नथिंग ईयर 2 में वेरिएंट के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, जैसे यूजर्स का एडवांस फर्स्ट पार्टी इक्वलाइजर का भी इसमें आप प्रॉफिट उठा सकते हैं, जिसमें अब क्यू फैक्टर और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, बेस, ट्रेबल, मिड, ग्राफिक्स को बढ़ाने के लिए पर्सनल ऑडियो एक्सपीरियंस का भी इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स दे रखे हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशन है ईयर 2 में, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है, जिसमें बिना रुकावट ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए वायरलेस एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। बैटरी ख़त्म होने की परेशानी का भी इन्होंने हल निकाला है, जिसमें LHDC5 का पर्सनल साउंड प्रोफाइल फीचर्स को एक साथ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका इस्तेमाल करते हुए भी दिक्कत कुछ नहीं आ सकती है। इसमें बजट फ्रेंडली TWS द ईयर स्टिक के लिए V1.01 1.85 का अपडेट भी जारी किया है। ये जो बता दूं कि जो अपडेट है, पहली बार ईयर स्टिक में नॉइज़ कम करने की भी सुविधा है, जिसमें यूजर्स को ज़्यादा बेहतर और फोकस ऑडियो एक्सपीरियंस का भी एक इंजॉय कर सकते हैं। स्टिक को कान में दो मौजूद एडवांस इक्यू फीचर से भी आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। और अगर मैं देखूं इसमें एक बार प्राइस की तरफ, तो प्राइस आपको लगभग $149 के आसपास में है, जो कि इंडियन करेंसी में 12,392 रुपये हो रहे हैं, जो कि वाइट वेरिएंट के जैसा ही, हालांकि कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिमिटेड बैच अवेलेबल किया है, स्टॉक ख़त्म होने तक ये डिवाइस की समान मतलब एक जैसे ही प्राइस अवेलेबल हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें से लिखे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।